तो इस लेक्चर में पार्टनरशिप एडमिशन और पार्टनर हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज रोल ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हम कब बनाते हैं, वैसे हमने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी, मेमोरेंडम वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। तो उसका बेसिक पर्पज होता है व्हेन पार्टनर्स डिसाइड दैट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज So, will not appear at a new value in balance sheet. तो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो है वो अपने न्यू वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करनी है बैलेंस शीट में, इसमें तो सेम ही रहनी चाहिए जो पहले की। तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें डेटेड द वैल्यू of assets and liabilities should remain same वो आपकी सेम रहनी चाहिए इन न्यू बैलेंस शीट में। उस केस में बस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने नाम दिया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका देखो परफॉर्मा देखती है, बेसिक परफॉर्मा वही है। तो पहले आप शो कीजिए जैसे हमारी आइटम्स हैं बाय एसेट, जैसे इंक्रीज हो रही है एसेट आपकी, ये आपका गेन है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, उसको क्रेडिट कर दो आप। ऐसे बाय लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी कोई डिक्रीज हो रही है तो ये भी हमारा गेन माना जाएगा। एक रिवर्स आता है जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसेट डिक्रीज और ऐसे लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। या कोई अनरिकॉर्डेड है जो आपने रिकॉर्ड नहीं की थी उसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए। अब डिफरेंस देखो कितना है, लेकिन क्रेडिट साइड जा गया है तो गेन आ जाएगा, वो हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राइट, ये आपका आ गया गेन ड्यू टू रिवैल्यूएशन और ये ट्रांसफर होगा ओल्ड रेशो में, पुराने पार्टनर को मिल जाएगा। इसको कर दो क्लोज और साथ ही यहाँ तो अब हमने ऐसे तो लाइबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हम नई बैलेंस शीट में, तो इनको रिवर्स कर दो, जो क्रेडिट में शो किया है वो डेबिट में कर दो। अब इसके नीचे टू एसेट, ये जो इंक्रीज वाली है, और टू लाइबिलिटी बीच की डिक्रीज, तो जो आपने इंक्रीज किया था डिक्रीज वो कैंसिल हो गया आपका। ऐसे इस साइड डेबिट साइड में जो आपने शो किया था बाय एसेट जो आपकी डिक्रीज हो गई है एंड बाय लाइबिलिटी जो आपकी इंक्रीज हो गई है। तो आप देखोगे अब पहले क्रेडिट साइड क्या क्या क्योंकि गेन आ रहा है, अब डेबिट साइड क्या क्या हो जाएगी क्योंकि अमाउंट सेम है आपके, तो ये आपका लॉस बन जाएगा। तो जो लॉस आएगा आपका, अब ये हमने नए पार्टनर्स को ट्रांसफर करना है नई रेशो में, उसको ट्रांसफर कर दो बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो दिस विल बिकम नाउ लॉस और ये ट्रांसफर हो रहा है आपका नई रेशो में। इट मीन अब जो मेन एडजस्टमेंट आपकी बस कैपिटल अकाउंट से शुरू हो गई, पुराने पार्टनर और न्यू, और एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू कब हम चेंज नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, बाकी क्वेश्चन आपका सेम चलेगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तो नाउ आई एम डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। तो आप देखिए सेकंड इलस्ट्रेशन है, पेज है 8.54, वैसे रिलेटिव है आपको, इसमें आपको दिया है ए और बी पार्टनर्स हैं उनकी रेशो भी है, ए रेशो बी की रेशो टू एंड बैलेंस शीट इज गिवन एज ऑन 31 दिसंबर 2016 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, और उसी बैलेंस शीट में
ट्रेड पेबल्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, एबी के और एसेट्स हैं आपकी, एंड दिस इज योर 31 मार्च की बैलेंस शीट है, 31 मार्च, एंड दे आर सेइंग नाउ ऑन 1 अप्रैल 2016। अब उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है, सी एज एडमिटेड, एंड सी विल ब्रिंग 50,000 कैपिटल, 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर, तो सी का शेयर है 1/5, एंड सी ब्रिंग्स कैपिटल, वो कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000, एंड सी ब्रिंग्स गुडविल आल्सो 10,000। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है, उसका नाम था प्रीमियम मेथड। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बनाना है 2%, इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है 10%, फ्री होल्ड प्रीमिसी को रिवैल्यू करना है 240, प्लांट है 35, फर्नीचर है 25, इक्विपमेंट 27, पार्टनर्स, अब ये लिखा मेंशन किया है, पार्टनर एग्री गैट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन सेम, एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन बुक वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट। एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू सेम रहनी चाहिए नई बैलेंस शीट में। चलो पहले को हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है, ये ट्रांसफर हो जाएगी ए और बी में, सी का शेयर लिया है तो सैक्रीफाइस रेशो सेम आ जाएगी आपकी, सैक्रीफाइस रेशो ऑफ ए एंड बी इज 3:2, जो ओल्ड रेशो है। तो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैलेंस शीट में, देखो आपको दिया है बैंक, तो बैंक के थ्रू करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट, नेशन में मैंशन ये बेंग सी ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल इन कैश 60,000, फिर गुडविल का शेयर आपने ट्रांसफर करना है तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और ये ट्रांसफर हो जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, उनके सैक्रीफाइस रेशो 3:2 में, जैसे गुडविल शेयर है 10,000, 3:2 में बन गया 6,000 एंड 4,000, ये आप ट्रांसफर कर दीजिए। अब आपको बनाना है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो बनाते हैं मेमोरेंडम, उसलिए स्पेस आपको याद चाहिए, तो लेटर सी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि आपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना है नई बैलेंस शीट में। पहले नॉर्मल वे में बनाइए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने बनाना है 2%, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये है 2% ऑफ डेटर्स, डेटर्स हैं आपकी बुक्स में 25,000, और उसका 2% हो गया आपका 500। इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है 10% टू इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू है बैलेंस शीट में आपकी 30,000, तो 10% में 3,000 का लॉस हो गया है। एंड फ्री होल्ड प्रीमिसी की रिवैल्यू करनी है 2,40,000, बुक्स में है 2,00,000 बाय फ्री होल्ड प्रीमिसी, तो हमें गेन हो गया इसमें 40,000 का। एंड प्लांट को रिवैल्यू करना है 35, बैलेंस शीट में 40, इसमें लॉस हो गया टू प्लांट, इसे ये 5,000, एंड गैन यू आर गिवन फर्नीचर है 25,000, बुक्स में है आपका फर्नीचर 20,000, ये इंक्रीज हो गया बाय फर्नीचर 5,000 से इंक्रीज हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट 27,500, बैलेंस शीट में 25,000, ये भी इंक्रीज हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट 25,500, 25,000 से 27,500 हो गया, 2,500 का इंक्रीज हो गया, बस यही है आपके एडजस्टमेंट। तो आप देखिए अब आपका क्रैकिस है ज़्यादा आ रही है, तो ये हमारा गेन आ जाएगा 47,500 एट 39,000, इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा आप टू कैपिटल अकाउंट्स, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में 3:2 में, ए में और बी में, तो ए को एक को 5 से डिवाइड किया आपने, तो ए को कितना अमाउंट मिल जाएगा, जैसे जो 23,400 ए का आ रहा है,
और 15 600 ये जो बी, ठीक है। अब आपने करना है इसको रिवर्स, जो तो इधर आपने गाला है वो इधर गा देते हैं, ये क्लोज हो गया, देन 2 3 होल जो 3 मिसिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2 फर्नीचर, 2 ऑफिस इक्विपमेंट, जिसे जो 40,000, 5,000, 2500। और ऐसे जो आपने डेबिट में लिखा है सारे क्रेडिट में कर दो, बाय प्रोविजन, बाय इन्वेंट्री, बाय प्लांट, जिसे जो 500, 3,000 एंड 5,000। तो जो पहले आपका था गेन, अब वो हमारा लॉस बन जाएगा। इसको ट्रांसफ़र करेंगे नए पार्टनर्स में, कैपिटल अकाउंट, और उनकी हमें चाहिए अब न्यू रेशो। तो न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका सी का शेयर है, वही बैलेंस शेयर आपका रह जाएगा 4/5, उसमें ए को मिलेगा 4/5 में, अगेन 3/5, जिसे कि 12/25। ऐसे बी को मिलेगा 4/5 में 2/5, जिसे कि 8/25। उससे आपकी नई रेशो आ गई है ए रेशो बी रेशो सी, जिसे 12:8, ये बन जाएगा 5/5। तो उसको ट्रांसफ़र कर रखे हैं ए बी सी तीनों में, तो ए बी एंड सी रेशो इज 12:1/5। तो इसको 25 से डिवाइड किया आपने, 39,000 का हमारा टोटल आ रहा है। अब ये आपका लॉस बन जाएगा, तो 39,000 को डिवाइड कीजिए, जिसे जो 18720 एंड बी का बन रहा है जिसे 12480, और ऐसे सी का शेयर बन रहा है 7800। तो जिसे मेमोरेंडम रिजाइजेशन। अब आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप, लेके से कैपिटल अकाउंट्स। तो आपके पास तीन पार्टनर्स हैं, वी आर गिवन जैसे कि ए बी एंड सी, ए बी सी बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। देखो ओपनिंग कैपिटल ए और बी का की है 2 लाख एंड 1 लाख, तो सी इज ब्रिंगिंग कैश बाय बैंक, सी से आपने कैश रिसीव किया है 60,000। फिर इसका गुडविल का शेयर था 10,000, जो आपने ट्रांसफ़र करना है टू बी एंड सी, ए एंड बी को गुडविल का शेयर उस जैके के 10,000, और ए और बी को मिल जाएगा बाय सी से शेयर ऑफ गुडविल 3-10,000 को मिला 3:1 को मिल 6,000 एंड 4,000। फिर आपने निकाला अब इनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है 23,400, 15,600। फिर आ रहा है लॉस टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, लॉस है 18,720, 12,480 एंड 7,800। बस फिर आपके आ जाएंगे नए बैलेंसेज, जैन में गए तो अवर न्यू बैलेंसिंग है 2 बैलेंसिंग। उसका टोटल कीजिए आप, उसमें से ये माइनस कर रखे हैं, उसका बैलेंस ये बन रहा है ये 239,400 माइनस गेस 210,680, ये बन रहा है आपका 119,600 माइनस गेस 1, जैसे 107,120, 60,000 माइनस 10, 50 माइनस 78, जैसे जो 42,200। इस तरीके से आपके कैपिटल्स आ जाएंगे। नाउ वी कैन प्रिपेयर योर बैलेंस शीट, अब आप उनकी नई बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखो इसमें आपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू सेम रखनी है, सिर्फ बैंक का बैलेंस चेंज होगा आपका। सबसे पहले हैं आपके कैपिटल्स ए बी सी विच इज गिवन 210,680,
जैसे जो 107 120 42 200 जनरेटिंग के क्रेड पेबल्स ये आपके सेम रहेंगे किसी गिवन को भी 50,000 एसेस में आ जाइए फ्री होल्ड फ्री में से गेन प्लांट फर्नीचर एंड गेन एक के इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल बैंक बस आपने बैंक का बैलेंस चेंज करना है ये सारी सेम रहेंगे आपके सो कूल है 40 20 कूल है 40,000 20,000 25 30 25 30 वो प्रीमिसेस है प्लांट है फर्नीचर है ऑफिस इक्विपमेंट भी है आपका ऑफिस इक्विपमेंट राइट इन्वेंटरीज रिसीवेबल्स हैं आपके 25,000 बैंक का देखो कितना बैलेंस है बैलेंस शीट में 10 और कैश आपको मिला 60 जो नया पार्सल आ रहा है 60 या कैश लेके आ रहे हैं ये बन जाएगा आपका 70,000 इसका टोटल कर रखे हैं दिस विल बी अवर बैलेंस शीट टोटल आपका बन रहा है 50 50 80 150 and 60 410 चार नाम जैसे ऐसे ही आपका इधर आ जाएगा फोर लैख टेन ये हमने डिस्कस किया एडमिशन में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जब आपने एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करना अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे तो इधर हम पार्टनर से जो कैपिटल्स का बैलेंस होता है उसको भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं तो हाउ टू डू दैट वर्क